एक जेनरिक प्रॉब्लम मेरे को पता चला है हजारीबाग के ऊपर में। लाइट्स का स्विच ऑफ करोगे तो स्टूडेंट्स जो वहां पे रह रहते हैं वो लोग सो जाया करते थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सूरज एंड मैं रेंट रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। मैं रिसर्च कर रहा हूँ सभी जगहों के ऊपर एंड सभी फ्लैट्स के ऊपर कि किस जगह में कितने में फ्लैट्स मिल जाते हैं, सिंगल रूम मिल जाते हैं, रूम मिल जाते हैं, 1 आर के रूम मिल जाते हैं एंड इत्यादि। एक साल पहले तक मैं OLX को प्रमोट करता रहता था क्योंकि मुझे विश्वास था कि OLX के ऊपर काफ़ी सारे रूम मिल जाएंगे। बट जैसे ही पता चला कि बहुत सारे डीलर आने लगे हैं यहाँ पे, तो उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना खुद का एक वेबसाइट बनाऊंगा एंड इसी को एक कंपनी की तरह बनाने की कोशिश करूंगा। इसी कारणवश इस चैनल का नाम भी चेंज हो गया है कंपनी के नाम के ऊपर, rentonline.com। तो अगर आप लोग नहीं जानते थे तो जान लो, क्या दिक्कत है। अ कपल ऑफ डेज पहले एक कमेंट आया था एक बहुत ही पुराने वीडियो के ऊपर कि 3,000 तक में किसी के रूम मिलेगा क्या। तो 2 दिन तक मैंने रिसर्च करा है हजारीबाग में एंड पता करने की कोशिश की है कि किस किस एरिया में आप लोगों को रूम मिल जाएगा एंड कितने में। तो पहले जान लेते हैं कि कितने में यहाँ पे मिलना आप लोगों को शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग सिंगल रूम खोज रहे हो तो 900 से लेके 1200 के अंडर आप लोगों को सिंगल रूम मिल जाएगा, 2 आदमी या 3 आदमी वाला सिंगल रूम। बोले तो कि एक सिंगल रूम होगा, रैक होगा उस रूम में एंड उसी रूम में आप लोगों को 2 बेड मिलेगा या फिर 3 बेड इन लॉज एंड हॉस्टल। वैसे अगर आप सिंगल रूम खोज रहे हो जहाँ पे आप अकेले रह सकते हो विथ रैक 2000 का अराउंड मिल जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर 1 आर के खोजोगे तो 2500 के अंडर आप लोगों को मिल जाएगा 1 रूम विथ अ किचन, अटैच्ड किचन। लेकिन इस तरह का रूम क्या है ना कि जल्दी मिलता नहीं है या फिर मिलता है तो वो रोड से काफ़ी अंदर होता है, ऐसा रूम जनरली जल्दी बुक हो जाता है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को फ्लैट मिलेगा कि नहीं। 1 BHK फ्लैट अगर खोज रहोगे तो 1 BHK फ्लैट भी आपको मिल जाएगा 3000 के अंडर एंड 2 BHK फ्लैट आपको 6000 से स्टार्ट होता है, जनरली 6000 से या फिर 5000 से स्टार्ट होगा हजारीबाग में। अकेले हो तो 2 आर के रूम खोजो, नहीं तो 1 आर के रूम इज गोइंग टू सूट यू वेरी वेल। बात करते हैं कि आप लोगों को किस किस एरिया में मिलेगा। आपको मटवारी में मिल जाएगा, डोबिया तालाब में मिल जाएगा, न्यू कॉलोनी में मिल जाएगा, बाबू गांव के आसपास भी आपको मिल जाएगा। लेकिन एक जेनरिक प्रॉब्लम मेरे को पता चला है जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो कई सारे रूम के बारे में पता चला जहाँ पे लाइट का स्विच ऑफ करोगे तो अंधेरा हो जाता था। स्टूडेंट्स जो वहाँ पे रह रहे थे वो लोग सो जाया करते थे, उन लोगों का तैयारी पूरा नहीं होता था। वैसे रांची में मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था लेकिन मुझे लगता था कि यार शायद एक आधी रूम होगा। इसे लॉज के बारे में बता दिया, लॉज में आप लोगों को सिंगल रूम मिल जाएगा, हॉस्टल में भी आप लोगों को सिंगल रूम मिल जाएगा 900 से लेकर 1200 के अराउंड एंड अगर आप लोगों को सिंगल रूम चाहिए होगा तो 2500 में तो मिल ही जाना है आप लोगों को। और जी देखिए, एक नया सीरीज स्टार्ट करूँगा जो शायद हर सैटरडे या संडे को आएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि रेगुलर अपलोड करूँ क्योंकि काम ही इतना रहता है कि रेगुलर अपलोड नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो रेगुलर भी अपलोड होगा। एंड वो सीरीज ऐसा है कि आप लोग नीचे कमेंट में लिखोगे तो 2-3 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा एंड आप लोगों कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा वीडियो के थ्रू। तो धन्यवाद एंड हास्ता ला विस्ता।